टीवी के पॉपुलर एक्टर करणवीर बोहरा विवादों में फंस गए हैं। उन पर महिला ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। करण समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ ओशीवारा पुलिस स्टेशन में एक 40 साल की महिला को 2.5% ब्याज पर रिटर्न का वादा करके 1,99,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया। हालांकि महिला ने दावा किया है कि 1,00,00,000 रुपए की राशि लौटा दी गई है। NNI की रिपोर्ट के मुताबिक ओशीवारा पुलिस ने कहा है कि अभिनेता मनोज बोरा उर्फ करणवीर सिंह बोरा सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कथित तौर पर 2.5% ब्याज पर इसे रिटर्न का वादा करके एक 40 साल की महिला को 1,99,00,000 की धोखाधड़ी की है। महिला ने दावा किया कि केवल 1,00,00,000 रुपये से अधिक की राशि लौटा दी गई है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक ओशीवारा पुलिस ने कहा है कि महिला ने यह भी दावा किया है, जब उन्होंने राशि मांगी तो करणवीर बोरा और उनकी पत्नी तेजिंदर सिद्धू ने ठीक से जवाब नहीं दिया और उन्हें गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जल्द ही उनके बयान दर्ज करेगी। करणवीर बोरा का असली नाम मनोज बोरा है। उन्होंने नच बलिए 4, झलक दिखला जा 6, खतरों के खिलाड़ी 5, बिग बॉस 12 जैसे लगभग 10 रियलिटी शो में पार्टिसिपेट भी किया है। हालांकि वह किसी भी शो को जीत नहीं पाए। लॉकअप के लॉन्च पर उन्हें मीडिया और कंगना रनौत ने लूजर कहकर भी बुलाया था। इसी तरीके की तमाम जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।